नमस्कार, घटना चक्र में स्वागत है आपका। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह कई सारे मेहमान और दो खास मुद्दे नजर डालते हैं एजेंडे पर। अगस्ता वेस्टलैंड डील पर आक्रामक हुई बीजेपी। अमित शाह ने सोनिया गांधी से पूछे चार सवाल, तो कांग्रेस का जवाब, हम काए नहीं, दम है तो दो महीने में साबित करें आरोप। और गुजरात में पाटीदार समेत आर्थिक रूप से पिछड़ों को मिलेगा 10% आरक्षण, लेकिन 50% की आरक्षण सीमा पार। दो खास मुद्दे, सबसे पहले बात करेंगे जिस मुद्दे पर पिछले कई दिनों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, अगस्ता वेस्टलैंड डील को लेकर के जिस तरीके से लगातार संसद के अंदर हंगामा मचा हुआ है, बीजेपी अध्यक्ष लगातार आक्रामक हो रहे हैं। और आज जो है, आपको बता दें, अमित शाह की तरफ से चार सवाल पूछे गए। सबसे पहले फटाफट आपको चार सवाल ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, उसके बाद उनके उस बयान को भी सुनाएंगे क्या कुछ कहा गया। पहला सवाल ये किया गया कि टेंडर में छेड़खानी किसके कहने पर की गई है, ये कहा गया, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है, ये कहा गया, वही जो है ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ही जो है जिसको डील मिल सकती थी, उसके बावजूद अगस्ता वेस्टलैंड को ये डील क्यों दी गई। दूसरा सवाल किया गया कि फील्ड ट्रायल देश में क्यों नहीं कराया गया, इसके लिए कंपनी के अंदर ही ये ट्रायल क्यों कराया गया। तीसरा ये कहा गया कि डील का पूरा पैसा वो नहीं मिला है, और घूस साबित होने पर डील कैंसिल क्यों की गई। जब पहली बार गड़बड़ी की बात सामने आई थी, उसी समय इस डील को रद्द क्यों नहीं कर दिया गया, जब ये साबित हो गया कि घूस दी गई है, उसके बाद ही डील कैंसिल क्यों की गई। ये चार सवाल आपको बता दें कि आज पूछे गए हैं अमित शाह की तरफ से, हालांकि इसका जवाब भी आया है कांग्रेस की तरफ से। तमाम मेहमानों को रूबरू कराएं, उससे पहले जरा सुनते हैं क्या सवाल पूछे गए, क्या कुछ कहा गया अमित शाह की तरफ से। मैं आज कांग्रेस अध्यक्षा को कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो जब टेंडर निकला, तब टेंडर के चैप्टर नंबर 2 में, पैराग्राफ 2 में एक प्रावधान था कि टेंडर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ही भर सकते हैं। उसके बाद भी आपने अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड को टेंडर भरने की इजाजत दी, टेक्निकली क्वालिफाई किया, जबकि अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल के 2012 के रिपोर्ट के अंदर ये पब्लिक हो चुका है कि वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं है। मैं इतना पूछना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी से कि किसके इशारे पर ये परमिशन उनको दी गई, किसके इशारे पर उनको टेक्निकली क्वालिफाइड पाया गया, और टेंडर की शर्तों के साथ ये जो छेड़खानी हुई है वो किसके इशारे पर हुई है। नंबर 2, जब हेलीकॉप्टर का सौदा हो चुका और हेलीकॉप्टर परचेज करने थे, तब उसका फील्ड टेस्ट, फील्ड इवेल्यूशन ट्रायल भारत में लेने की एक शर्त टेंडर के डॉक्यूमेंट में लगाई गई थी। अचानक ही वो शर्त को बदल दिया गया और भारत के अंदर फील्ड इवेल्यूशन ट्रायल लेने की जगह कंपनी के प्रीमाइसिस के अंदर फील्ड इवेल्यूशन ट्रायल लेने का फैसला किया गया। क्या इससे इसकी ट्रायल की गंभीरताओं के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है? क्या भारत के हितों के साथ छेड़खानी नहीं हुई है? अगर ऐसी परमिशन डिफेंस मिनिस्टर ने दी है तो किसके इशारे पर दी है, और क्या डिफेंस मिनिस्टर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? इसका जवाब कांग्रेस अध्यक्ष ने देना चाहिए। जब ये पूरा सौदा हुआ, तब कुछ समय बाद इटली के मीडिया में एक चर्चा शुरू हुई कि इसके अंदर अनधिकृत कारोबार, मतलब घूस देने की संभावनाएं तराशी जा रही है। तो भी टेंडर के अंदर एक प्रोविजन है, कॉन्ट्रैक्ट को आप होल्ड पर रख सकते हो, उसका उपयोग करे बगैर टेंडर को आगे बढ़ने दिया गया। और जब ये सिद्ध हो गया कि अब घूस दी ही गई है, तब अंत में 2013 में ये टेंडर को पुट ऑन होल्ड किया गया। ये इतनी देरी क्यों लगाई और किसके इशारे पर लगाई, इसका जवाब भी कांग्रेस अध्यक्ष ने देना चाहिए। चौथी बात, कांग्रेस पार्टी ने अभी कहा है कि सारे पैसे जो बैंक गारंटी के थे वो वापिस आ गए, भारत ने एनकैश कर ली है, वो भी सत्य से परे हैं, पूरे पैसे वापिस नहीं आए हैं,
इसका एक ही हिस्सा वापिस आया है। तो इस सारी बातों का जवाब कांग्रेस अध्यक्षता ने देना चाहिए और मैं मानता हूं उन्होंने स्वयं देश की जनता के सामने प्रेस के सामने आकर जवाब देना चाहिए। तो ये वो चार सवाल थे जो पूछे गए अमित शाह की तरफ से। जरा सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से भी आज फिर एक बयान आया है कांग्रेस को लेकर के, क्या कुछ कहा गया आइए सुनिए। ये कहना कि हमने व्यापार शुरू कर दी, इसको मेक इन इंडिया किया, ये क्या, वो सब बकवास है और झूठ है। बकवास की बात नहीं है, झूठ है। और पहली झूठ था कि उन्होंने ब्लैकलिस्ट किया, वो झूठ है। और सबसे बड़ा जो इससे बड़ा 10 गुना बड़ा झूठ है कि हमने इसको हटवा करके इनके साथ व्यापार रहस्य रूप से किया, दोनों गलत है। कांग्रेस की तरफ से क्या टिप्पणी आई है गुलाम नबी आजाद को सुनते हैं। अगर ये सच में ईमानदार है, सच में इनको देश के प्रति इतना प्रेम है, प्यार है, और सच में ये असली वास्तविकता क्या है, असली हकीकत क्या है, उसकी तय तक जाना चाहते हैं, तो बजाय ये रोज बाइट देने के टेलीविजन पे सुबह शाम और सेलेक्टिवली डिफेंस फाइलें लीक करना कुछ चैनल्स को, उसको बंद कर दें। सीबीआई इनके पास है, रॉ इनके पास है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन देने के लिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इनके पास है, हुकूमत इनके पास है। 2 साल इनको हो गए सत्ता में, तो क्यों नहीं वो नाम निकालते जिसने पैसा लिया है। तो एक तरफ बीजेपी जहां आक्रामक है, कई सवाल पूछ रही, तो कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ मीडिया में बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, नाम बताएं, सरकार आपकी है और 2 साल हो गए, अब तक इस मामले पर कुछ किया क्यों नहीं। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नीता मिश्रा जी, नेता कांग्रेस पार्टी की, आनंद साहू जी मौजूद हैं नेता भारतीय जनता पार्टी से, उपेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शकीलुज्जमान अंसारी साहब मौजूद हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ दिलीप के सिंह जी मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एडिटर जैन टीवी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि पहले राउंड में छोटी छोटी टिप्पणी सभी से ली जाए। सबसे पहले अवधेश जी, आपकी पहली टिप्पणी इस मामले को लेकर के, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और 2 पहलू हैं इसमें। एक तरफ तो बीजेपी की तरफ से तो लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, अब देखना यह है कि वाकई में इसे आखिरी तक ले जाते हैं या सिर्फ राजनीति करने के लिए राजनीति हो रही है। इससे पहले भी कई बार आरोप लगे हैं, लेकिन जो सवाल कांग्रेस भी उठा रही है कि आप 2 साल से सत्ता में हैं, क्यों नहीं इस मामले में आपने अब तक कुछ किया। देखिए, कांग्रेस का सवाल जो है उससे तो मतलब वो सवाल इसलिए है कि आपको अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ करना है। इटली की कोर्ट के, दोनों कोर्ट के फैसले से, खासकर हाई कोर्ट जो मिलान कोर्ट ऑफ अपील्स था जिसको हाई कोर्ट का दर्जा है, उसके फैसले से इतना तो साफ हो गया है कि इस सौदे में, माने 3645 करोड़ रुपए के सौदे में घूस दिया गया, दलाली दी गई, तभी वहां सजा हुई है, उसी के आधार पर बिल देखा गया है। उसमें उसने लिखा है, उस सौदे में सोनिया गांधी का बजाबता नाम लेते हुए उसमें लिखा गया है कि कैसे सोनिया गांधी के माध्यम से लॉबिंग करा के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी इसके लिए एग्री किया गया। उसने बताया है कि घूस की रकम में से 52% पॉलिटिशियन को दिया गया है और केवल 26% घूस जो है वो गया है एयरफोर्स को, और बाकी बचा जो 23% है वो मिला है, बाकी जो उसमें हिस्सेदार दलाल लोग थे वो है। तो अब ये है कि चूंकि कांग्रेस ने अपने शासन काल में, जब फरवरी 2013 में मामला परवान चढ़ा था, उसके बाद इसने सीबीआई को जांच सौंप दी थी। कांग्रेस चूंकि शासन में थी इसलिए सीबीआई को जांच के एक डायरेक्शन भी थे। कांग्रेस की सरकार चूंकि इसमें फंस सकती थी, उस समय का रक्षा मंत्रालय था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस फंस सकता था, नेशनल एडवाइजर जो कमिटी थी उसकी चेयरपर्सन का नाम उसमें आ सकता था, तो इसलिए वो सीबीआई उसकी जांच जो की, उसने सीबीआई ने 2014 तक तो विशेष रूप से उसमें कुछ किया नहीं।
जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो जुलाई 2014 में इसने इस जांच को ईडी को सौंपा कि भैया इसमें पैसे कहां कैसे गए हैं इसका जरा पता लगाओ, और उसके बाद उसने गौतम खेतान को गिरफ्तार किया, बताया कि इन इन कंपनियों के नाम से पैसे आए हैं, ये कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से इन्होंने पेमेंट लिया, कुछ वायर के जरिए आए, एसपी त्यागे कुछ भाइयों का जमीन दखल हुआ। अब सवाल ये है मेरा, लेकिन मैं दूसरा कह रहा हूं कि कांग्रेस से मेरी सहानुभूति है जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, मेरा कहना यह है कि आपके आप देश के सामने इटली के कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके मूल तथ्य को, सीबीआई ईडी की जांच अभी जहां तक पहुंची है उस मूल तथ्य को लेकर के देश के सामने रखिए, और उसके बाद जो उचित कार्रवाई है, चूंकि एफआईआर 16 लोगों पर पहले से भी दर्ज है जी, पॉलिटिशियन जिनका नाम आ रहा है उनके नाम पर एफआईआर दर्ज करिए, उनसे पूछताछ करिए, और नहीं बताते हैं तो उनको जेल में डालिए, लेकिन बैठ के विपक्ष की तरह सवाल पूछना, क्वेश्चन उठाना, मैं नहीं मानता हूं कि यह काम सत्ताधारी दल की भूमिका में है। आपको कार्रवाई करनी चाहिए, आज मैंने ये लिखा भी है और इस पर बहुत सारे रिएक्शन आए हैं देश भर से। आप दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज चार जो सवाल पूछे गए हैं कैसे देख रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण सवाल है निश्चित रूप से, इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से डील हुई, जिस तरीके से डील कैंसिल हुई, इसको लेकर के कांग्रेस अपना पक्ष तो रख रही है, लेकिन इस पूरे मामले में बड़े लोग कौन थे, क्या इस बार भी कई सारे मामलों की तरह छोटी मछलियां ही पकड़ी जाएंगी, आपको लग रहा है कि इसमें कोई बड़ी गिरफ्तारी होगी? अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज बयान आया, वो कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं है बीजेपी के अंदर की सोनिया गांधी को गिरफ्तार कर सकें। गिरफ्तार करने के लिए उसका आधार चाहिए, जाहिर है अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बाकी भी दो दल हैं। आप ये देखिए जो बात अवधेश जी ने आखिर में कही उसके से मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि आप आज सरकार में हैं, आपका ये दायित्व बनता है कि जो भी कुछ हुआ है उन तमाम तथ्यों को पब्लिक में लाके रखे, पब्लिक डोमेन में लाके रखे, संसद चल रहा है वहां पूरी चीजों को रखा जाए, साथ ही साथ ये सवाल पूछने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। अब इनको 2013 के बाद 14 में सत्ता मिल चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी होगी, उस पर एक्शन करना होगा, और सिर्फ सवाल पूछने से काम नहीं चलेगा। सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, उपेंद्र जी कल भी इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि सरकार में रहते हुए क्यों बार बार सवाल किए जा रहे हैं, क्यों सिर्फ चर्चा की बात की जा रही है, हालांकि बुधवार को अब रक्षा मंत्री जो है इस पूरे मामले पर बयान देने वाले हैं, कहा गया कि अभी इटली में जो है आदेश दिया गया इटालियन में, तो उसका अभी जो है भारतीय भाषा और अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन कराया जा रहा है, क्या क्या आपको लग रहा है इस पूरे मामले के अंदर? अब देखिए सवाल तो किया ही जाना चाहिए, लेकिन ये सवाल कोई पॉलिटिकल लीडर्स नहीं करें तो बेहतर है, यह सवाल आप जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है उसको करने दीजिए, और जो एक्यूज्ड है आप बनाइए वो एक्यूज से सवाल करे, अगर मान लो सोनिया गांधी सवाल होता तो सोनिया गांधी एक एक्यूज के रूप में होंगी, उन पर उसे सवाल होगा, और सवाल करने वाले अमित शाह तो निश्चित रूप से नहीं है, वो कोई इन्वेस्टिगेटिंग अफसर होना चाहिए, वो सीबीआई का कोई अफसर हो सकता है, पुलिस का कोई अफसर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एसआईटी बनाइए वहाँ से जांच करवाइए, तो ये जो प्रॉपर चैनल से और सही प्लेटफॉर्म से बात होनी चाहिए, तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो गलत है। हाँ ठीक है, संसद का सदन चल रहा है उसमें भी इस पर चर्चा हो, लोगों को जानकारियाँ दी जाए क्या क्या है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा राजनीति करना, क्योंकि हम देख रहे हैं सिर्फ राजनीति ही की जाती है, जो वेस्टलैंड ये जो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर है कोई पला वेस्टलैंड नहीं है, एक कुछ वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स खरीदा गया था राजीव गांधी के समय में, वो ब्रिटिश कंपनी थी कोई वेस्टलैंड, और वो थैचर उस समय थी प्रधानमंत्री, उनकी एक रिश्तेदार की कंपनी थी, वो कंपनी डूब रही थी, तो उस कंपनी को बचाने के लिए थैचर ने क्या किया, राहुल गांधी से एक डील किया कि जो इंग्लैंड से जो एड मिल रहा था भारत को उसी एड के पैसे से हेलीकॉप्टर खरीद लिया गया, और वो जो हेलीकॉप्टर है एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट हुआ, उसमें दर्जनों लोग मारे गए, कुछ अरब सागर में गिरा, कुछ वैष्णो देवी की पहाड़ियों पर गिरा वो वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स, और उसकी भी जांच शुरू की गई थी, उसका क्या हासिल हुआ हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, फेयरफैक्स ज़्यादातर मामलों में अब तक इस तरह की उसमें जो वीपी सिंह पर जो पहला आरोप लगा था वो फेयरफैक्स को लेकर लगा था, उसने भी संयोग से अभी जो हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं जिनका नाम बार बार आता है फिनेंशियल स्कैम में कुछ गड़बड़ी में, तो उसमें वही हुआ कि इन्होंने कुछ पैसा लगा रखा है उसको बीपी सिंह उसका पीछा कर रहे हैं, फेयरफैक्स नाम की कंपनी को लगा दिया गया है, उसी कारण है कि राजीव गांधी की सरकार गई, उसी में पूरा का पूरा इतिहास बदल गया, तो वो उस समय भी जितना भी हुआ किसी का कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो हमें लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से आई है पूर्ण बहुमत के साथ, नरेंद्र मोदी से लोगों की बहुत उम्मीदें थी, बहुत अपेक्षाएं थी, सारी उम्मीद तो पूरे नहीं करेंगे लेकिन 10 में से 1 भी कर दें, अगर ये भी कर दें कि लगेगा कि हाँ
कोई क्राइम कर रहा है, करप्शन कर रहा है तो सजा मिलती है। ये एक ट्रेडिशन डाल दें नरेंद्र मोदी, तो हमें लगता है कि उनके जो प्रशासन का जो कार्यकाल है उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वो इतिहास को रिपीट न करें, वास्तव में जांच करवाएं, सीरियसली जांच करवाएं, जांच को तेजी से करवाएं, ईमानदार लोगों को आगे करके उसे जांच करवाएं, और जो भ्रष्ट लोग हैं चाहे किसी भी पार्टी का हो और किसी भी पोजीशन में रहे उसको पकड़े। हमें लगता है ये उनको करना चाहिए। बाकी आप सवाल करके क्या क्या सवाल आप कर रहे हैं? चलिए अब मैं सेकंड राउंड में आता हूं आपका। शकील साहब, आपसे भी सवाल यही रहेगा कि इस पूरे मामले को लेकर के, पहला मामला नहीं है, रक्षा डील में कई बार हमने देखा कि बहुत सारे घोटालों का जिक्र होता रहा। अभी बोफोर्स का मामला हुआ, जीप घोटाले का मामला आया था, इसके अलावा अब ये मामला चल रहा है, लेकिन इन सब मामलों में जांच में क्या हुआ? आज तक सब चुनाव के दौरान राजनीति करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी तक कोई बड़े नेता की किसी भी मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई। इस मामले में क्या आपको लग रहा है कुछ होगा, या ये मामला भी जब जब चुनाव आएंगे तब तब उठता रहेगा और उसके बाद चीज़ें ठंडे बस्ते में रहेंगी? देखिए, अभी हमसे पहले आप तीन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की टिप्पणी आपने ली जी, तो मूल्य रूप से उन टिप्पणी में एक ही बात तो सामने आई है जो अभी गुलाम नबी आज़ाद साहब कह रहे थे कि आप बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सच्चाई में कुछ चाहते हैं कि जनता के सामने जाए या कार्रवाई हो, तो आप दो साल से आपके पास सारी संस्थाएं हैं, सरकार है आपके पास, आप कार्रवाई कीजिए। ये नहीं कि आप सवाल पूछते रहिए और किसी व्यक्ति को आप राज्यसभा में सिर्फ बोलने के लिए राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेटेड बना दीजिए कि उल जलूल खाली वो बोलता रहे। तो इससे अच्छा ये है कि आप तथ्य में जाइए, ठीक है? कोई आदमी इनकार तो नहीं कर रहा है कांग्रेस पार्टी का भी कि उसमें सजा किसको होगी या नहीं होगी, कौन दोषी है, आप सच्चाई लाइए सामने। चूंकि वहां के कोर्ट का एक डिसीजन है, अभी भारत सरकार के पास आया है, भारत सरकार के मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हमको 10-15 दिन अभी उसमें लगेगा ट्रांसलेशन में। तो 10-15 दिन जब आप खुद इतने महत्वपूर्ण विषय के ट्रांसलेशन में लगा रहे हैं, तो आप ट्रांसलेशन में जल्दी कराइए कि बयानबाजी कीजिए। बयानबाजी से अच्छा है कि काम कीजिए। नेताजी, आपसे मेरा सवाल यह है कि आखिर में इन चार सवालों के जवाब कांग्रेस देंगी, सोनिया गांधी देंगी? खासतौर से दो तीन महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक तो ये कि इस मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है कि पूरा पैसा आ गया, ब्लैक लिस्टेड वाली बात जो है कि हमने ब्लैक लिस्ट की, अब जो है कांग्रेसी नेता कह रहे हैं नहीं, हमने कोशिश जो है हमने शुरू की थी। इसके अलावा आखिर में इस पूरे मामले को लेकर के जब पहली बार ये मामला लगा कि गड़बड़ी हो रही है, फिर उसी समय डील क्यों नहीं कैंसिल की गई? ये जब पूरा साबित हो गया कि इस मामले में घूस ली गई है इटली के अंदर, उसके बाद भी इस डील को क्यों कैंसिल किया गया? देखिए, आप जिस तरह से ये बोले हैं, अमित शाह जी जिस तरह से बोले हैं, तो ये साफ साफ क्लियर हो रहा है मीडिया पे आकर के, टीवी चैनलों पे, हमारे देश के सामने उन्होंने अपने प्रश्न रखे चार, तो उससे उनकी मानसिकता बहुत ही क्लियर तरह से सबके सामने जा रही कि केवल और केवल एक पॉलिटिकल वेंडेटा, इसके अलावा वो उनका कोई भी आशय नहीं है। वो छवि को, मैडम की, सोनिया जी की छवि को पूरी तरह से खराब करना चाह रहे हैं। कोर्ट ने कौन पॉलिटिकल वेंडेटा किया है? मैं आज इस आपके जैन टीवी के मंच से उनको आह्वान करती हूँ, उनका, बीजेपी को, कि वो ढंग से इन्वेस्टिगेशन कराएं, और जो टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ना तो मेरा सवाल ये है, इटली की कोर्ट ने जिक्र किया सोनिया गांधी का, इटली के कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि ब्राइब सोनिया जी के पास आई, ये कहीं नहीं कहा गया पोर्शन में, कुछ नहीं पूरे उसमें, कहीं नहीं। नहीं नहीं, तो सोनिया जी की पारदर्शिता के लिए उसमें चर्चा नहीं है, ऑस्कर फर्नांडिस की, अहमद पटेल की, सबकी चर्चा इसलिए नहीं है कि इन लोगों ने करप्शन रोकने के लिए काम किया। इन सब का कहना है कि ढंग से सुचारू रूप से पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सारे क्या इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो उसने दिया है उसके आधार पर कार्रवाई हो। सोनिया जी से डायरेक्ट प्रश्न पूछने का कोई हक नहीं बनता, वहाँ जब सारी एजेंसीज है वो ड्यू क्यों सोनिया जी क्या महारानी है कि उनसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा? अगर किसी के ऊपर कोई आरोप आता है तो तब उसको, जिसके ऊपर भी आएगा तब उसको देश की जनता समय दी जाएगी। अगर 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 मान लीजिए सोनिया गांधी का नाम आता है, सोनिया गांधी से सवाल ना पूछे देश तो पूछेगा, आप उसे पॉलिटिकल वेंडेटा कहेंगी या नहीं कहेंगी? मैं क्यों कहूंगी? फिर ये तो नहीं कहेंगी पिंजरे का कबूतर है सीबीआई? सोनिया जी का दूर दूर तक कहीं नाम नहीं आ ही नहीं सकता। चले, केवल जिस तरह की बातें, उनका नाम को गलत उछालना, उनको नाम को खराब करना, इसके अलावा बीजेपी के पास अब कोई और काम रह ही नहीं गया है, वो भी ऐसे समय पर। अब आप सत्ता में है साहू साहब,
सवाल आपसे यही है, सब लोग जितने पत्रकार यहाँ पर वरिष्ठ बैठे हुए हैं सबका ये कहना है कि अब बयानबाजी का फायदा क्या है, आप कार्रवाई कीजिए, अपने दो सालों में आपने क्या किया, इस समय भी आपके बीजेपी जो अध्यक्ष हैं वो आकर के ये तमाम जो सवाल पूछ रहे हैं उससे अच्छा ये सवाल जैसा उपेंद्र जी कह रहे थे कि अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पूछेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले तो विपुल जी, मैं कांग्रेस के नेता और सारे इनके जितने भी प्रवक्ता उनको बधाई देता हूँ कि एक क्या बोलते हैं कि बहुत बड़ा चोरी करके भी सीना चोरी कैसे किया जाए इनसे सीखा जाए। पूरा दुनिया थू थू कर रही है, हर एक आदमी इनके ऊपर, पूरी दुनिया नहीं कर रही, पूरा विश्व में इन्होंने भारत का सवाल आपसे बड़ा सीधा किया। सुन लीजिए, मैं ये देखिए आप बोले नीतू जी तो मैंने नहीं बोला, नहीं नहीं मैं तो मेरा ये कहना है एक चोर कह रहा है कि जांच करा लीजिए, अरे तुम क्या बताओगे, तुम्हारी पार्टी तो पूरी आडंबर इतना बड़ा डूबा हुआ है, मेरा उसको आप वो क्या बताएगी, सुनिए वाजपेयी जी ने आप क्या बताएंगे, आपके पार्टी सोनिया गांधी और जितने सबसे ज्यादा पैसा कहां गया ये आप सबको अच्छी तरह से पता है। आपके लोग जब जब घिरते हैं तो उसको बचाने में पूरा कुनबा लगा हुआ होता है, इटली तक मैनेजमेंट, अरे क्या मैनेज करेंगे आनंद जी, मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल ये है, सुन लीजिए जो भी आरोप आप लगा रहे हैं, जो भी बातें आप कह रहे हैं, कार्यकर्ता है कांग्रेस के लिए आप अच्छा मेहनत कर रहे हैं लेकिन ऐसे जगह आप अपना एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं जहाँ कुछ नहीं मिलने। मेरा एक सवाल है सर, सुन लीजिए जी जी बताइए, मेरा सवाल ये है कि आप जो अब तमाम बातें कह रहे हैं, जो तमाम आरोप आप लगा रहे हैं, कर रही है, सुन तो लीजिए उन तमाम आरोपों उन तमाम बातों की वजह से कांग्रेस को लोगों ने ना हटा दिया, नापसंद किया। आपको लगा क्या है, आप कहते थे दामाद बेटी की बात करते थे, आज तक कुछ नहीं उसमें हुआ, अब आप जो है सोनिया गांधी की बात करते हैं, तमाम आरोप लग रहे हैं, आप अभी भी संसद के अंदर चर्चा चाहते हैं, बाहर अमित शाह आरोप लगा रहे हैं, सुन लीजिए मेरा बात सुनिए, विकास सरकार का देश के बारे में सोचना दूर रहा, नीतू जी आरोप लगा रहे हैं, ये आपकी जहनीयत बन गई है। के लोगों को बधाई देता हूँ, आप लोग बोलने में बहुत माहिर है लेकिन आपके अंदर कितना एक के बाद एक अभी भी एक घोटालों का सिलसिला निकलेगा, अभी तो शुरू भी नहीं हुई जांच, पूरी तरह से सरकार जो है वेट एंड वॉच, धीरे धीरे सारे सबूतों को इकट्ठा करके कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ रहा है, और अभी जी आपकी बात को कंप्लीट करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। घटनाचक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगस्ता वेस्टलैंड डील को लेकर के जिस तरीके का हंगामा मचा हुआ है लगातार हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप जी आपसे भी यही सवाल अब रहेगा, आप इस पूरे मामले को लेकर के कई सारे घोटाले इस देश में हुए, आज तक लोग ये कहते हैं कि कभी किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई, कभी किसी बड़े नेता को दोषी नहीं माना गया, तो वजह इसकी आप क्या मानते हैं, एक पब्लिक परसेप्शन जो है चोर चोर मौसेरे भाई वाला, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में इस बार कोई एक्शन होगा? नहीं, आप देखिए लालू यादव अभी भी कन्विक्टेड है फोर्डर स्कैम में, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी नेता को सजा नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है, देखिए कारण उसके दो तीन होते हैं, राजनेताओं के खिलाफ जो आरोप लगते हैं उसमें चूंकि सियासी जो फायदे और नुकसान का आकलन रहता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, कहीं अगर कुछ है भी, अगर आग नहीं भी हो तो धुआं उठा करके चुनावी या उस तरह के फायदे लिए जाते हैं, तो ये रही है स्थिति हिंदुस्तान में हमेशा से। आप देखिए बोफोर्स में क्या निकला, जो कुछ इतना बड़ा था वहां से निकला क्या, 64 करोड़ के घोटाले में 5 times से ज्यादा उस पर आपने खर्च किया सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में, तो इस तरह से चीजें, और जिस तरह से अगर आप देखिए अगर 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 जो पैसे बोल रहे थे उन्होंने वापस ले लिया है, कैंसिल कर दिया है इस पूरे डील में, तो अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है तो उसको तुरंत
तो जांच करवा करके, दो साल तो बीजेपी की सरकार है, जांच करवा के उस पर अगर सोनिया गांधी है तो उनपे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऑस्कर फर्नांडिस है, अहमद पटेल है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप जब कार्रवाई नहीं करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो स्वाभाविक सा ये मैसेज जाता है कि कार्रवाई से ज्यादा आप सियासत में और सियासी फायदे नुकसान के आकलन करने में आप लगे हुए हैं। जिस बात को आनंद साहू जी नहीं बता रहे हैं कि भाई अब तो आप सरकार में हैं, दो साल हो भी गए, अब तो कुछ कार्रवाई करिए, लोगों को बताइए कि ये सरकार अलग है, जो 68 साल से जो आपने कहा देश में जो कुछ हुआ है उससे बिल्कुल अलग है, आप कार्रवाई करने वाले, एक्शन में यकीन करने वाले लोग हैं, तो वो बताइए। अब ये सिर्फ भाषण, सवाल और इस तरह से बहस से काम नहीं चलना है। आप देखिए, मीडिया को बताया गया है रिपोर्ट में, जो खबरें आई है कि मीडिया में पैसे खर्च किए गए, इसको पूरी तरह से अब किसको मिले पैसे मीडिया में, अगर मिले हैं तो 40 करोड़ 50 करोड़ जो भी मिले हैं, उन लोगों के भी नाम, सिर्फ नेता क्यों, जो तमाम लोग हैं उनके नाम सामने लाया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो कहां कर रही है, वो किधर से, सिर्फ सोनिया गांधी, आप पूरे चीज को जांच करिए, जांच करके उस पे जो भी तथ्य है उसको बाहर लाइए। नीता जी बहुत देर से कुछ करेंगे। विपुल जी, यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि जब ये लोकसभा इलेक्शन के पहले लगातार कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, फला मुक्त करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और कई सारे इनके तो हो गया थे, ना, मुक्त तो हो गया, काफी कम हो गया सब कुछ। अब ये अपनी भ्रष्टाचार का जो पूरा जनता इनके ऊपर उंगली लगी है कि आखिर आप इस तरह की आपने बड़ी बड़ी बातें करी, ना तो आपने विकास किया, ना आपने यूथ के मुद्दे पर भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए केवल आज के मुद्दे पर जाते हैं। नीता जी केवल केवल डिबेट को डाइवर्ट कर रही है, डाइवर्सन से कांग्रेस की रक्षा नहीं हो सकती है। नीता जी अभी अगस्तावस्थान पर जाएंगे, ठीक है सर, ठीक है। उत्तराखंड इतना छोड़ दू मैम, आज उत्तराखंड हम लोगों ने बहुत चर्चा की। अगस्ता वेस्टलैंड कौन लाया है? मेरा जो सवाल है, अगला हफ्ता काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एक सेकंड मैम, अगला हफ्ता काफी महत्वपूर्ण है। एक तो बुधवार को जो है मंत्री की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से संसद सदन के अंदर तमाम तथ्य रखे जाएंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी, अर्जी स्वीकार कर ली गई है इस पूरे मामले को लेकर के, कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ FIR हो। कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं अगला हफ्ता आप? देखो विपुल, मैं मुझे बड़ा अजीब लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कुछ करने से नहीं रोका है, वहां तो एक सामान PIL दायर हुआ है और उस PIL पर उसको विचार करना है। सवाल इस समय सीधे सीधी बात है कि जो ईडी ने जांच किया, जो CBI ने जांच किया, वो कहां तक पहुंची है? आप सोचिए ना कि दो दो कोर्ट ने इटली में सजा दे दी, वो जेल चले गए, और आपके यहां अभी तक जांच ही हो रही है, आपके यहां संसद पर इस पर हंगामा हो रहा है कि भैया जो है हम दोषी हैं, हम दोषी नहीं है। सोनिया गांधी कभी पत्रकारों के सामने नहीं आती है, दो दो बार आके उनको अपनी सफाई देनी पड़ रही है। तो मेरा कहना यह है कि कोर्ट की ओर आप मत जाइए कि कोर्ट, मगर यह सरकार अभी भी इस पर निर्भर कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर करे तो हम करें, ताकि हम पर ना आए, तो फिर ऐसे भ्रष्टाचार से लड़ाई नहीं हो सकती है। भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए आपको स्वयं जो है मुकदमा करना पड़ेगा, FIR करना पड़ेगा, पूछताछ, अरेस्टिंग करनी पड़ेगी, दूसरी पार्टियां आपके खिलाफ कोर्ट में जाए, यह लड़ाई मानी जाती है। तो मैं सुनिए, दूसरी बात जो कर रहा हूं, रक्षा मंत्री का जो बयान होगा उसमें वो महत्वपूर्ण तो होगा, लेकिन रक्षा मंत्री के बयान से कानूनी कार्रवाई का क्या लेना देना है, मैं ये पूछ रहा हूं। मेरा कहना यह है, देश इस समय यह चाहता है कि भाई बिल्कुल इटली की कोर्ट ने बिना सबूत के कोई टिप्पणी नहीं की होगी, ये बात साफ है, क्योंकि कोई भी कोर्ट ऐसे नहीं करती है, वहां हाई कोर्ट ने किया है, तो इटली ने जो सबूत दे दिया है उस सबूत के आधार पर जो पहले से FIR है, एक सेकेंड FIR दर्ज हो, सीधी सी बात है, उस पर कार्रवाई शुरू हो जाए। मुझे रक्षा मंत्री, अच्छा जो लोग भी विपुल थोड़े भी बुद्धि पत्रकार, जिसने भी थोड़े इस पर ध्यान रखा है, मैं 2012 से इस केस पर ध्यान रखे हूं, उनके लिए इसमें कोई भी चीज नया नहीं है, उनके सामने सारे तथ्य पहले से स्पष्ट है, लेकिन पूर्व सरकार और वर्तमान, पूर्व सरकार को तो करना नहीं था, दिखावटी थी, और वर्तमान सरकार आने के बाद उस 10 जनपद और उससे जुड़े हुए लोगों के गर्दन पर हाथ रखने से बचना चाहती है, असल बात यह है। चलिए उपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब ये सवाल तो आम जनता के मन में है, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिन्होंने घूस दी उनको सजा मिल गई,
पर लीक किसने अभी तक ये तक नहीं पता लग पाया है, सजा मिलना और वो तमाम चीजें तो दूसरी बात है, पर यहाँ पैसे दिए किसको गए ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। अब ये तो एक मिशेल नाम का व्यक्ति है, उसने बहुत सारे पैसे बांटे हैं, अब उसको से भी पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि जिसने पैसे दिए हैं वो अगर हमारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसकी जद में आ जाए तो ही इज द बेस्ट पर्सन, वो मिशेल है जो बतला सकता है किसको उसको दिया, क्योंकि वो कोर्ट ने भी टिप्पणी की गई है कि उसको जो सर्विस चार्ज के रूप में जो दिया गया है मिशेल को, वो जिसने सर्विस प्रोवाइड की उसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा दिया गया 130 करोड़। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो जो 130 करोड़ है उसमें से हिस्सेदारी हुई है दूसरे से लोगों की, वो सिर्फ इस्तेमाल किया गया, तो उससे पूछा जाना चाहिए। और वो क्या भारत सरकार या डिफेंस मिनिस्ट्री या फॉरन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वो उसको क्या उसके पास पहुंच रही है, हमारे जो एजेंसी है सीबीआई है पहुंच रही है, जिस तरह से अमेरिका से हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा करके उससे हेडली की गवाही ले ली, क्या उसी तरह मिशेल की गवाही नहीं ली जा सकती? तो ये सब जो ऑप्शन है उसको ये करना पड़ेगा तभी ये होगा, बाकी तो ठीक है जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो पॉलिटिक्स करती रहेंगी, जितनी ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं करेंगे कि लोगों को उस पॉलिटिक्स से ही बहुत ज्यादा एलर्जी होने लगे। शकील साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे कि अब अगले हफ्ते हो सकता है कुछ नए तथ्य तो नई चीजें हमारे सामने आएंगी, लेकिन जो पत्रकारों का नाम आ रहा है कि तमाम वरिष्ठ पत्रकारों को 40 से 45 करोड़ रुपए दिए गए, क्या उद्देश्य हो सकता है इसके पीछे? कहा गया तो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, ये सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है, ये कहा ये फैसले में अभी तक हम लोगों ने तमाम चीजें, अभी तो फैसला आने दीजिए, अभी तो फैसले के बारे में भी हम लोग मीडिया के थ्रू ही तमाम चीजें जान रहे हैं, इटालियन में वो है उसका ट्रांसलेशन हो जाए, आधिकारिक रूप से हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन आपसे टिप्पणी जानना चाहेंगे इसको लेकर। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि मूल्यवाद जो है वो इटालियन कोर्ट और उसका जजमेंट भारत सरकार के पास है, और भारत सरकार कह रही है भी 15 दिन लगेगा उसको ट्रांसलेशन में, तो जब तक वो ट्रांसलेशन हो नहीं जाता है उससे पहले आप जो चीज़ बोल रहे हैं वो तो इमेजिनेशनरी है, कोई सही नहीं है, कोई ऑपरेटिव पार्ट है। कोर्ट में तो बहुत सारे बात आती रहती है जो मेंशन होता है, चूंकि ये रिपोर्ट के बारे में खुद डिफेंस मिनिस्टर ने कहा बहुत मोटी है और बहुत है, तो ये नहीं है कि सब जजमेंट का पार्ट है, कुछ वकीलों के दलील का पार्ट है, कुछ ऑपरेटिव पार्ट है, कुछ इस तरह से मेंशन पार्ट है। अब कहीं पर से कोई चीज उठा लीजिए और कुछ कहिए वो सही नहीं है। अब सवाल है कि ये सारा जो मामला है, कांग्रेस पार्टी का भी यही स्टैंड है कि सरकार साफ करे, दूध का दूध पानी का पानी, तो कोर्ट में तो इनके है, तो अब ये जो भटकाओ अगर कर रहे हैं बयानबाजी का, ये स्टैंड नहीं, सरकार को ही एक्शन लेना है, किसी के खिलाफ भी लेना पड़े। अगर कोई कह रहा है कि जैसा ये कहते हैं कि आरोपी हैं जो लोग, मान लीजिए कांग्रेस के लोग आरोपी, तो वो भी तो कह रहे हैं कि आप कार्रवाई कीजिए, वो किसी ने कहा कि नहीं कीजिए, आप कार्रवाई कीजिए, उसमें आप ढीले हैं, इसके मतलब कहीं ना कहीं भैया मुजरिम कह रहा है कि हम पर कार्रवाई करो, आप कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं हो, कहीं ना कहीं ये भी है ना इन्वॉल्व है, फंसे हैं, साफ साफ कहा जा रहा है, तो क्यों आप इस बात से हट रहे हैं? अब कार्रवाई वाले मुद्दे पर आपने स्पष्टता नहीं बताई कोई, मेरा सवाल एक जो आरोप और लग रहा है कांग्रेस की तरफ से आपकी पार्टी के ऊपर, वो ये कि चूंकि उत्तराखंड के मसले पे आप लोग फंस गए थे, तो चूंकि इस मुद्दे का आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं मीडिया में, बड़े बड़े लोग इसलिए इतना बयान दे रहे हैं, अगर आप इसके लिए इतना गंभीर होते तो शायद इन दो सालों में कुछ किया होता, कोई गंभीर प्रयास होते, लेकिन इसको आप पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ। देखिए, यही कांग्रेस जैसे ही सरकार में आते ही इनको सबको जेल में डाल देते, जितने जितने भ्रष्टाचारी हैं ये लोग, तो यही कहते कि आते ही बदला ले रही है, पॉलिटिकल रिवेंज। आज दो साल हो गए, आप कांग्रेस क्या कहती है नहीं कहती है इससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस देश की जनता के बारे में सोचिए, कांग्रेस क्या कहती है इससे क्या फर्क पड़ेगा? सरकार लगी है, आपको अपना ड्यू प्रोसेस में पूरा इन्वेस्टिगेशन, उत्तराखंड का भी मैं बता देता हूँ, उत्तराखंड के आपके स्पीकर जो हैं, ही हैज एक्टेड अगेंस्ट द लॉ,
वो अपने आप जजमेंट दे देते हैं कोर्ट में है कोर्ट कि उसका मामला अलग है। पर क्या इस मामले में मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या पॉलिटिकल हुआ होता आपके बागी विधायक नहीं होते हमारा क्या रोल क्या इस फैसले का आप राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं मेरा सवाल ये था आनंद जी ये विपुल जी क्या आप राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं इसका क्या सबको पता है कि ये केवल राजनीतिक इस्तेमाल है आप पूरा जवाब देने दे रहे हैं इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है कुछ बौखला गए बिल्कुल अभी सोनिया गांधी का नाम लेते ही कांग्रेस बौखला जाती है चलिए चलिए फिलहाल माँ जो है इनके जो है बीस कन्या जो है चलिए अब देश को खा गई उसके जी बाद भी जो है चलिए छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं। आज का दूसरा मुद्दा भी काफी महत्वपूर्ण है। गुजरात में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया गया है पर सवाल यही यह आरक्षण रहेगा या कोर्ट द्वारा रद्द किया जाएगा क्योंकि इसमें भी एक पेचीदगी है उस पर चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे गुजरात सरकार के महत्वपूर्ण फैसले की। आपको बता दें कि अब सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण दिया जाएगा जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं जिनकी आय सालाना 6 लाख रुपए तक की है। लेकिन सबसे बड़ा पेच ये है कि अब इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सीमा रखी गई है 50% की वो क्रॉस हो गई है। ये आंकड़ा 59% तक पहुंच गया। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शकील साहब से पहले हम टिप्पणी लेना चाहेंगे क्योंकि शकील साहब आप राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के सदस्य भी हैं। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? लंबा आंदोलन चला खासतौर से वहाँ पर पाटीदारों को लेकर के, अब ये फैसला लिया गया है लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फैसला टिकेगा कोर्ट के अंदर? देखिए कोर्ट के अंदर अलग है, पहले इस फैसले के बारे में आप समझ लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण ये है इसमें कि ये जो 27% आरक्षण है ओबीसी का और जाटों का भी या पाटीदार का ये डिमांड था उसके अंदर ही इसको समावेश किया जाए राज्यों पर भी और केंद्र की सेवाओं के लिए भी। लेकिन अभी ये मामला राज्यों में आ रहा है। अभी जाटों के लिए हरियाणा में इसी तरह का फैसला लिया गया है कि उसमें भी ये कहा गया है कि 27% जो रिजर्वेशन है ओबीसी का उसके छेड़े बिना ये अलग से ये रिजर्वेशन का प्रोविज़न वो कर रहे हैं। उसी तरह राज्य सरकार गुजरात भी उसी पैटर्न पर उन्होंने किया है, ओबीसी रिजर्वेशन को नहीं छेड़ते हुए अलग से उन्होंने पाटीदार या दूसरे सामान्य वर्ग के लोगों को दिया है। ये सबसे पहले सामान्य वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन अवधेश जी हैं याद होगा उनको कि वो 3% बिहार में सबसे पहले शुरू किया गया था जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद वो खत्म हो गया। जब इंदिरा साहनी केस आया तो वो खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट का अब दो है, एक तो ये जो दो तरह से वो चैलेंज होगा, एक 50% से एवब और दूसरे इन पक्षों को रिजर्वेशन में के दायरे में लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है, वो राज्यों में जाएगा कोर्ट में जाएगा। लेकिन 50% से एवप का जहां तक ताल्लुक है अगर वही आप विषय है आपका डिबेट का तो उसमें हम शामिल कर सकते हैं। उसमें एक ही है कि कोर्ट से आप परमिशन ले लीजिए, कोर्ट अगर परमिट करे तो 50% से एवप भी रिजर्वेशन हो सकता है क्योंकि आंध्रा में और तमिलनाडु में चल रहा है ये दो स्टेट में इस तरह के। तो मतलब आज जो सरकार की तरफ से एक बात जो कही गई कि हमने पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया है और अगर कोर्ट में भी जाना पड़ता है तो हम आसानी से इस केस को जीत सकते हैं, तो आपको लग रहा है कि इसमें कोई तकनीकी मामला नहीं फंसेगा? क्योंकि तमाम विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि एक लॉलीपॉप है जो कि कोर्ट में गिर जाएगा। नहीं, कोर्ट में गिर जाएगा, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हर जगह कोर्ट अपना अपना फैसला लेता है। तमिलनाडु में पहले किया गया था, उसके बाद कोई विपक्ष में कोई आदमी कोर्ट में जाने को तैयार नहीं था। कोर्ट में भी सहमति सरकार ने ले ली थी। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो राम सिंह केस में जो जजमेंट हुआ है और रिजर्वेशन के लिए बहुत हार्ड रूल उसने अपनाया है, अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। चलिए समय कम है तो बहुत छोटी छोटी टिप्पणी लेंगे। उपेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, कुछ लोग ये भी टिप्पणी कर रहे हैं कि बहुत लंबे समय से आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर के एक डिबेट जो है बातचीत चल रही है कहीं ना कहीं, तो क्या गुजरात से इसकी शुरुआत हो सकती है या एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हुआ है? देखिए आरक्षण
आर्थिक आधार पर आरक्षण पर बहस चली है और बहस चल करके समाप्त भी हो चुकी है, लेकिन उसको फिर चैप्टर को दोबारा खोलने की कोशिश की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने का जो 9 जजों का जो बेंच था उसने जो फैसला दिया उसमें आर्थिक आधार पर जो आरक्षण मिल रहा था या जो लागू किया था नरसिंह राव सरकार ने वीपी सिंह सरकार के बाद उसको अवैध असंवैधानिक घोषित कर दिया, साफ कह दिया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है। आपको याद होगा कि 27% जब आरक्षण दिया की घोषणा की थी वीपी सिंह ने उसको स्टे कर दिया था कोर्ट ने, फिर जब नरसिंह राव की सरकार आई थी तो सीताराम केसरी थे उसमें वेलफेयर मिनिस्टर, उन्होंने फिर उसको नोटिफाई किया 27% को और उसके साथ 10% आर्थिक आधार पर अलग से किया गया। तो जो 10% आर्थिक आधार पर जो किया गया था जो अभी गुजरात सरकार ने किया है उसको 9 जजों का जो बेंच है उसने अमान्य घोषित कर दिया। तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी कोर्ट भारत का कोई भी कोर्ट है जो 9 जजों का जो बेंच है उसके आदेश से बाहर जाएगा। उसी के बेस पर बिहार में जो चल रहा था आर्थिक खत्म हुआ था, बिहार में 3% मिल रहा था 1978 से कर्पूरी ठाकुर ने दिया था, 26% आरक्षण का झगड़ा हुआ था, बहुत आरक्षण विरोधी आंदोलन हुआ तो हो गया था कि 3% आर्थिक आधार पर जनरल लोगों को कर दिया जाता, वो भी खत्म कर दिया गया था। तमिलनाडु में इसलिए मिल रहा है उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है, 1971 में डाल दिया गया था। तो जब 9th शेड्यूल में कोई कानून को डाल देते हैं तो उस कानून की समीक्षा जुडिशियरी नहीं कर सकता, इसलिए वो जो 69% जो हाँ मिल रहा है वो जुडिशियरी की समीक्षा के परे है इसलिए वो मिल रहा है। वो भी आर्थिक बेस नहीं है, वो भी आर्थिक बेस नहीं है, वो तो वो 50% वाला जो लांग गया वो उस पर जुडिशियरी कुछ नहीं कर सकता है, तो वो अलग मामला। इसलिए कुछ राज्य है जो मांग करते थे, राजस्थान में मांग किया गुजरों ने कि हमें जो कानून जिस कानून से हमें आरक्षण दे रहे हो उस कानून को 9th शेड्यूल में डाल दो। झारखंड में लोग मांग कर रहा है कि वहां पर 50% में 14% ओबीसी को मिल रहा है क्योंकि शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को पहले ही से मिल रहा 36% तो शेष 4% 14 मिल रहा, तो वो लोग भी मांग कर रहा है कि हमें और आरक्षण बढ़ा करके 68% कर दो और उस कानून को 9th शेड्यूल में डाल दो। तो 9th शेड्यूल में संविधान संशोधन के द्वारा 2/3 मेजोरिटी राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी लोकसभा में करके डाला जाएगा, तो वो जो पेज है। तो क्या यहाँ पर भी ये संभव है क्या? नहीं अभी नहीं सब, देखिए जिस तरह की हमारी जो पॉलिटी है उसमें ये संभव ही नहीं है कि आप संविधान संशोधन करके आर्थिक आधार पर कुछ। चलिए समय बहुत कम बचा है, काफी मेहमान की टिप्पणी लेनी है। दिलीप जी आपकी टिप्पणी इस पूरे मामले को लेकर, बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं। बहुत छोटी सी टिप्पणी इतनी है, इतना ही है बिल्कुल कि आप देखिए आरक्षण का जो आधार था वो जो सामाजिक रूप से खास करके पिछड़े थे भारत में लोग उनके लिए सामाजिक रूप से जो जिनका लगातार समाज में शोषण होता रहा लंबे सदियों से लेकर उनको आगे लाने के लिए इसकी एक सोच थी। इसको हथियार राजनीतिक हथियार के तौर पर इसका लगातार इस्तेमाल हो रहा है, कुछ लोग उसके पक्ष में कुछ को इसको एक्सटेंड करने में। अब जाट को आरक्षण चाहिए, पटेल को आरक्षण चाहिए, तो फिर आरक्षण की जो व्यवस्था थी जिस सोच थी वहां पे आप देखिए क्या हो रहा है। तो प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि ये एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है और इसका कोई औचित्य है ही नहीं इस तरह के आरक्षण का। आरक्षण के बजाय आपको डेवलपमेंट के एजेंडा को, इंक्लूसिव ग्रोथ को, उन चीजों को जो एक ऐसे जो सामाजिक रूप से जो पिछड़े नहीं है उनके लिए तो ये आवश्यक है। आप ये जो लोग पिछड़े हुए थे सामाजिक रूप से जी, जो संवैधानिक व्यवस्था जो है वो उनके लिए है। आप अवधेश जी आपसे जानना चाहेंगे क्या इस फैसले को आप राजनीतिक मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2017 में गुजरात में चुनाव भी हैं, पटेल आंदोलन जिस तरीके से हुआ और उसके बाद नगर निकाय के जो चुनाव के नतीजे रहे वो बीजेपी के खिलाफ उस तरीके से नहीं रहे, बीजेपी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे, तो क्या उसके उस वजह से ये फैसला लिया गया है? देखिए इस फैसले को राजनीतिक तौर पर भी देखा जा सकता है, एक राजनीतिक फैसला भी है, लेकिन साथ ही साथ ये केवल राजनीतिक फैसला नहीं है। ये गुजरात में जिस प्रकार से पाटीदार आंदोलन चला, जो मांग हुई, दूसरे जाति भी खड़े हुए, तो ये एक प्रकार से जनता की मांग को कैसे एडजस्ट किया जाए उसकी दृष्टि से उठाया गया कदम है। इस पर प्रश्न बना रहेगा क्योंकि आपको मालूम है 2013 में राजस्थान सरकार ने जिसकी चर्चा अभी उपेंद्र जी कर रहे थे वो आर्थिक आधार पर उसने 14% आरक्षण दिया था जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो ये कोर्ट से खारिज होने की संभावना इसमें मौजूद है या कोर्ट पुनर्विचार भी कर सकता है। चलिए लेकिन मेरा अपना का जो दिलीप जी कह रहे थे उसको जरा दूसरी भाषा में कहिए, ये इसलिए हो रहा है कि आरक्षण सामाजिक न्याय का केवल जो है अस्त्र न हो करके देश भर में ऐसे नेताओं के जातीय आधार पर नेताओं के खड़े होने और आरक्षण को वोट बैंक के रूप में तब्दील करने के कारण ये पूरी स्थिति पैदा हुई है। ठीक मिता जी, बहुत छोटी टिप्पणी आपसे इस पूरे मामले को लेकर, दूसरा आपकी पार्टी कह रही है 10 नहीं 20% होना चाहिए। देखिए आर्थिक रूप से कई ऐसी कम्युनिटीज हैं जो इनकी पार्टी तो केवल कहती है ऐसा ना? दिखेगा कि जैसे उनके साल में कांग्रेस पार्टी ने ही तो इस सारे चीजों को लगातार पाटीदार को ले लीजिए
तो इनमें भी लेकिन कमजोर वर्ग होता है, तो मुझे लगता है कि अगर कमजोर वर्ग के लिए ऐसा कदम उठाया जाता जा रहा है, तो आपको भी पता है संभव नहीं है 20% तरह से आपकी पार्टी ने 20% कहा है, 6 लाख की आय को 10 लाख कहा है। देखिए 20% और 10 लाख की आया, सोचिए वो आर्थिक रूप से पिछड़ा है साल, तो अगर साल में 10 लाख रुपए अगर आप देखें तो 10 लाख की बहुत ज्यादा 6 का शायद उन्होंने कहा है कि 6 लाख तक होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है 6 लाख क्रीमी लेयर का लिमिट है ना, तो इसलिए उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। इसपे मुझे लगता है विचार अवश्य, कांग्रेस पार्टी की कोई विचार ही नहीं है, ये जानिए कांग्रेस पार्टी विचार रहित पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आपके इस पूरे मामले पर समय समाप्त हो गया सर, बचाओ परिणत हो रही है। आनंद जी क्या ये राजनीतिक फैसला है जिसको भी कोर्ट में जो है आनंद जी बोले कांग्रेस पार्टी अब निर्विचार निर्विकार पार्टी में परिणत हो रही है, वो कुछ भी बोल सकती है। आनंद जी समय समाप्त, आनंद जी की टिप्पणी करिए। आनंद जी सुन लीजिए आनंद जी को सुनिए। देखिए विपुल जी, भारत के जो लोग आनंद जी को क्यों सुने हम लोग, मुझे लगता है ये संभव हो जाएगा और कोई राजनीतिक नहीं। देखिए 50% जो अगड़ी जाति के लोगों के लिए एक तरह से खुला है वो, उसी में से एक तरह से हम 10% जो देने की जो प्रावधान लाए ना उनसे, तो नहीं ले आपका 59% हो जाता है, 59 हो जाता है, तो यानी 50 को तो हम छेड़ नहीं रहे, उधर जो 50 छेड़ रहे हैं अगड़ी जाति के लिए एक तरह से हो रहा है, तो अगड़ी जाति के लिए ही 50% खुला है उसी में से दे रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है, 50% खाली अगड़ी जाति के लिए दे रहे हैं। भाई आप पॉजिटिव सोचिए, देखिए पॉजिटिव सोचिए, कॉन्सेप्ट क्या है, वोट एक कॉन्सेप्ट है, वोट क्या, देखिए 50% आरक्षण है ठीक है, और 50% अनारक्षण है, मतलब वो खुला है जनरल के लिए, वो सबके लिए खुला है, उसी सबके लिए है, उसमें जो 10% जो गरीबी हालत में है, जो चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद साहू जी आपका, दिलीप जी आपका, उपेंद्र जी आपका, उदेश जी आपका, शकील साहब आपका, नीता जी आपका, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन टीवी, फिलहाल के लिए नमस्कार।